सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। तो हफ्ते का पहला दिन है, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ऐसे ऐसे नामक पाठ को पढ़ रहे थे। आज हम क्या करेंगे, उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, हम लोग पिछले हफ्ते इसको पढ़ चुके हैं, तो एक क्विक रिकैप। मोहन तकलीफ में था और मोहन को देखकर, मैं पूरा चैप्टर नहीं कह रही हूँ, केवल थोड़ा सा पीछे से। तो वैद्य जी आए थे, वैद्य जी ने आकर उसको जो है कुछ पुड़िया प्रेस्क्राइब की थी जिसको गर्म पानी के साथ लेना था, और इसके लिए वो जो है दीनानाथ जी, जो उसके उनके पड़ोसी थे मोहन के, उनको ले करके अपने साथ चले गए थे और बोला था कि वो दीनानाथ जी के हाथों वो पुड़िया भिजवा देंगे, जिसको मोहन की माँ को जो है समय समय पर मोहन को गर्म पानी के साथ देना है। उसके बाद जैसे ही वो उनका मतलब प्रस्थान होता है वैद्य जी का, वैसे ही जो है कौन आते हैं, वैसे ही डॉक्टर साहब आते हैं। और डॉक्टर साहब आने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर साहब आ करके मोहन को देखते हैं, जांचते हैं, और उनको मतलब देख करके उनको लगता है कि हाँ, ये बहुत दर्द में है, इसका चेहरा जो है एकदम सूख गया है, और वो कहते हैं कि इसको लगता है कोई कॉलिक पेन हो गया है, तो या फिर कोई फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। बोल रहे कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। बोल रहे ये तो कॉलिक पेन नहीं है और फोड़ा भी नहीं है लगता है, ठीक है। मतलब डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मोहन जो कि मेन पेशेंट है हमारा, वही जो है अच्छे से समझा नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली उसको हुआ क्या है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी इन सब चीज़ों को लेकर एक कश्मकश चल रही होती है। तो उसी वक्त क्या होता है, माँ कांप कर, फोड़ा, माँ बहुत डर जाती है, मेरे बच्चे को फोड़ा हो गया, वो भी पेट के अंदर। एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है कि डॉक्टर ने कहा कि फोड़ा तो नहीं है, मतलब ऐसे बोला, लेकिन माँ है तो उनको लगा कि मतलब बस फोड़े का वर्ड का जो है उच्चारण मात्र था, और माँ को लगा कि भाई मेरे बेटे को तो लगता है सच में फोड़ा हो गया है, ठीक है, पेट में। मतलब डॉक्टर जस्ट कह रहे हैं कि ऐसी शंका शायद नहीं है, लेकिन माँ को उसी में डर लग रहा है। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है। फिर डॉक्टर कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, फोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए। मतलब उसकी माँ को आश्वस्त करने के लिए वो कहते हैं, अरे बिल्कुल भी नहीं है। मोहन से ज़रा मुंह फिर खोलना, मोहन से कहते हैं, भाई शायद मुझे जांच करने में कोई चूक हो गई है, तो तुम मुंह को दोबारा से खोलो, एक और बार तुम्हारे मुंह का जायज़ा ले ले क्या हुआ है, जीभ निकालो। जीभ निकालने के लिए कहते हैं, मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता। तो फिर मोहन के जीभ को दोबारा से परीक्षण करते हैं, माँ डर जाती है और माँ के डर को कम करके कहते हैं, भाई इसको शायद अब कब्ज हुआ है। फिर कहते हैं, हाँ हाँ कब्ज ही हुआ है, इसको कब्ज हुआ है, यानी इसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, इसका पेट साफ नहीं हुआ है, जैसा कि डॉक्टर मतलब वैद्य जी बोल के गए हैं, थे वैसा ही बोला, और बोला कि लगता है थोड़ा बहुत बदहाजमी भी हो गया है, इनडाइजेशन भी हो गया है, बदहाजमी इनडाइजेशन, इनडाइजेशन भी हो गया है और कॉन्स्टिपेशन भी हुआ है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दवा भेज देता हूँ, पिताजी से कहते हैं और उठ जाते हैं। क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी, कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। तो मोहन के पिताजी से डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्यों ना मोहन की दवा लेने, आप ही मेरे साथ चले, चलिए आप ही मेरे साथ चलिए और दवा लेकर के आइए, और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये विचार है कि एक ही खुराक, जस्ट वन डोज ऑफ द मेडिसिन विच आई विल प्रेस्क्राइब, वो ले करके जो है मोहन की तबीयत ठीक हो जाएगी। और वो कहते हैं कि मतलब
कभी कभी क्या होता है कि पेट में हवा जो वायु है वो रुक जाती है और गांठ की तरह पड़ जाती है, तो उसी से जो ऐंठन होती है उसी का जो मतलब एयर प्रेशर पेट के अंदर बनता है उसी से प्रॉब्लम हो रही है। ये सब नेचुरल बीमारियां हैं, ये सच में होती हैं लोगों, ठीक है। लेकिन क्या मोहन को ये हुआ है, यही आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। अगले दिन फिर मिलते हैं और इस क्वेश्चन का हल ढूंढते हैं। धन्यवाद।